हम तो इसीलिए यहाँ पे हैं कि फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और इस शो के थ्रू बिनास इज ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारे हमारा जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है क्वीन, इसके साथ में परफेक्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन. यू नो वी डोंट वांट टू डू वन ऑफ दोज जस्ट यू नो पॉपकॉर्न सॉर्ट ऑफ शोज जहाँ पे जिनका कोई इसमें बहुत सारा डेप्थ है. एंड आई थिंक फिल्म क्वीन इज वेरी एंटरटेनिंग ऑन अ वेरी सरफेस लेवल, बट एट द सेम टाइम इट गॉट डेप्थ, इट गॉट कंटेंट, इट गॉट अ स्टोरी. इसका हादसे सबके साथ ही होते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं टीजिंग का शिकार नहीं हुई या किसी टाइम पे मुझे दबाने की या डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की. हर लेवल पे होता है, पर्सनल लेवल पे सबसे पहले माइल्ड तरीके से आपके घर पे ही शुरू हो जाता है जहाँ पे आपके लिए अलग रूल्स होते हैं, आपके भाई के लिए अलग रूल होते हैं. वो भी किसी ना किसी तरह से उनका जो मनोबल है, प्रोत्साहन है, वो एक जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो मनोबल है, प्रोत्साहन है, उसको किसी ना किसी तरह से डैमेज किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से ना हो. तो आई थिंक हमेशा स्मॉल लेवल से लेकर हाई लेवल तक जो किसी को पिंच कर देना या किसी को गाली दे देना लड़की को, वो तो फिर फिजिकल लेवल पे है एंड विच इज़ द क्रिमिनल एक्ट. लेकिन जो क्रिमिनल एक्ट नहीं भी लगता है, जो कि बहुत माइल्ड है, इज़ आर ऑल्सो वेरी इक्वली सीरियस इश्यूज. आई रिमेंबर एज अ केड जब मैं शायद 13 या 14 ईयर ओल्ड थी, तो बाइक पे कुछ लड़के आए थे और मुझे कुछ पीठ पे मार के चले गए थे. तो ऑब्वियसली वो लोग तो भाग गए, बट आई केप्ट क्राइंग ऑन द रोड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिकॉज इट वॉज रियली हर्टिंग. तो आई थिंक उससे डील करना तो शायद बच्चों के हाथ में नहीं होता है. तो आई थिंक पेरेंट्स हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, मदर शुड बी टॉकिंग टू गर्ल्स, एंड द गर्ल्स शुड ऑल्सो should able to find some sort of support and understanding in the environment. और इसीलिए ये show है.